नमस्कार, मुँ मनोज महापात्र खबरदार को आपण को स्वागत। दर्शक बंधु, विवाह को बरसे पूरी नथिला, बर्बादी रे सरीगला दाम्पत्य, कांथरु बाहाचिता लिभि नथिला, अति रहस्यजनक भावे लिभिगला जणकर जीवन दीप। विधवा होई बाप घर को फेरीगले नवबिवाहिता, ए करुण कहानी एतिकी रे सरी जीवा कथा। हेले सरिलानी, आगकु बढ़िला, काहीकी बढ़िला ताहाई असल कहानी, ताहाई असल रहस्य। विद्याभारती, डीएफओ, ड्राइवर, रोसेया, अक्षय और ज्योति जने जने चरित्र, कंट्राक्ट मैरेज, एग्रीमेंट, फोन रेकर्डिंग और हाथलेखा चिठी भी गोटे गोटे प्रकरण, जहाँ देढ़मास अधिक दिन हेब आगक बढ़िबार लगी। पारला खेमुंडीर एसीएफ सौम्य रंजन डेथ मिस्ट्री, मृत सौम्य परिवारवर्ग प्रथम पुअर संदिग्ध मृत्युपाई बहु विद्याभारती को दायी कर आसुवा बेले विद्याभारती किंतु ये अभियोग को अस्वीकार कर आसुंच। जितेबले तदंतकारी टीम द्वितीय दफार विद्याभारती को पुणी थे जेरा करते कौन कहले विद्याभारती, आसतु खबर भितरे से ही कथा जानिबा। सत खोलिले कि सौम्य पत्नी कौन कहिले विद्याभारती? कहिले कि से दिन राति रे कौन घटीथिला क्वार्टर भितरे? केमिति स्वामी सौम्य रंजन नियारे पोड़ी हुई गले, निया अपना छाई लागे जाई थिला ना लगे दिया जाई थिला? सौम्य पोड़ी हुई चित्कार करुवा बेले पाखरे आउ किए थिला? ए पूरा प्रकरण भितरे डीएफओ संग्राम बेहरांक कौन भूमिका? विद्याभारती को जगह को बुलेगी? डायरी, हाथलेखा चिट्ठी, प्रॉपर्टी और बलांगीर बैचलर पार्टी, रोसेया माली और ममता पंडा को केमिति जानती विद्याभारती? जेतेबेले क्राइम ब्रांच रो दुई जण महिला डीएसपी विद्याभारती बाप घर को जाई सौम्य रंजन मृत्यु विषय में पचराउचरा चलते, सेतेबेले घर बाहर अपेक्षा रखिथिबा विद्यांक साई पड़िसा और गणमाध्यम प्रतिनिधि मध्यरे एमिती चर्चा चलीथिला। जेरा किंतु सहजरे सरु नथिला, अपराह्न गड़ी संज हेला, तथापि घरु बाहरु नथिले तदंतकारी टीम। परे जना पड़िला विद्यांक पाखरु बहु कथा आदाय करिछि क्राइम ब्रांच टीम। बार जुलाई रे सौम्य निज सरकारी क्वार्टर थिबा अति रहस्यजनक भावे पोड़ी होई जाइथिले। एहर दिनक परे चिकित्साधीन अवस्था रे सौम्यंक दुखद मृत्यु हेला। प्रथमे पारला पुलिस आरंभ करिथिला मामलार तदंत। परे तदंतरे सहायता पाई क्राइम ब्रांच सहयोग करुथिला, हेले पूरा दायित्व पाई नथिला। सौम्यंक परिवार वर्ग मुख्यमंत्री और डीजीपी को भेटी सीबीआई द्वारा निरपेक्ष तदंत दाबी करिथिले। परे पारला पुलिस को तदंतरु हटेई निया जाई क्राइम ब्रांच हाथरे तदंतर पूरा भार दिया जाई थिला।
14 तारिखरे क्राइमब्रांच मामलार आरंभ करिथिला तदंत प्रथम पर्यायर रोसैया डीएफओ संग्राम केशरी बेहरा और थाना अधिकारी ममता पंडा को घन घन जेरा करिथिला क्राइमब्रांच प्रथम रु तो आम पुलिस भरसा रखी क्राइम ब्रांच भरसा रखीचु आम न्याय अलग पचार समय पचार दु घंटा प्रश्न पचार प्राय ठी सतर प्रश्न हाँ कलेक्टर सर मुझे दौड़ी गला सार एक पचारे क्राइम ब्रांच आप पचारे हाँ पचार कौन पचारे जहाँ पचार जाए कह सर पचारे दिन रात देखी तुम से दिन रात नी पर आईली जहाँ जान सर यहाँ तुनि पड़ जाता मझे देढ़ सप्ताह नीरवता पर पुणी आक्टिव उठी क्राइमब्रांच द्वितीय दफारे सौम्यंक परिवार वर्गों को पचराउचरा करिबा परे विद्या भारती को भी जेरा करिछि कहुच जेरारे विद्यां मुहरू तदंतकारी टीम बहु कथा उगाछि तेरे खाली देखा बाकी सौम्यों मृत्यु रहस्य उपरू केपे परदा हटुछि दर्शक बंधु द्वितीय दफा जेरारे तदंतकारी टीम विद्या मुहरू कौन सब सत ओगाड़ी विद्या केते सत कही केते मिछ लुचाई ए जेरा परे सौम्यों डेथ मिस्ट्री राज खोली कि ना पुणी मोड़ बदल मामलार गति शाखा प्रशाखा मेलाई आग को बढ़ी बढ़ी शेष रहस्यर नाली फिता तले सबुदिन चापी हो रही परिशेष शुणा को मिल जे नो वन किल्ड सौम्य एहा एक अघटन बा दुर्घटना सतरे केबे कहानी शेष केउठी देढ़ मासरु अधिक दिन बीतीगला पुलिस परे क्राइम ब्रांच भी आसला तदंत दांत मेले आग को बढ़ला लगुला आ डेरी नहीं फिटवा को रहस्य मन होता एथर सामना को आसव सत खोली सौम्यों डेथ मिस्ट्री पचर राज
ମାତ୍ର ସେମିତି କିଛି ଘଟିଲାନି ଏଯାଏ। ପ୍ରଥମରୁ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ପାରାଳାଖେମୁଣ୍ଡି ପୋଲିସ ପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବି ମଝିରେ ଅଟକି ଗଲା କିଛି ଦିନ। ଆରମ୍ଭରୁ ଯେମିତି ତତ୍ପରତା ଦେଖାଉଥିଲା ସେ କଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାନି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାରକୁ କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ଘରର ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅକୁ ଏମିତି ଭାବେ ହରାଇବା ପରଠୁ ଲୁହ ଶୁଖୁନି କି ପଲକ ପଡ଼ୁନି ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରେ। ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସେମାନେ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଏପରିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ଧାଇଁବା ସହ ନିୟମିତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଗୁହାରି କରି ଆସୁଥିଲେ। ଶେଷରେ ପୁଣି ଥରେ ମାମଲାକୁ ନେଇ ତନାଘନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପୁଣି ଥରେ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇ ଜେରାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରସ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କୁ ଜେରା କରିବାର ଦିନକ ଆଗରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ବି ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ପଚରାଗଲା, ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍କୁ ପଚରାଗଲା, ଯେଉଁମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା। କେଉଁ ଦିଗ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ବେଟର ହେବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ କହିଛି ଯେ ଆଗରୁ PIO ବିଷୟରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ। ଆପଣ ମୋଠୁ ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣ PIO ପାଇପାରିବେ। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ବେଗୁନିଆ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଚାରିଜଣିଆ ଟିମ୍। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ DSP ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆସିଥିବା ଏହି ଟିମ୍ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା ଅଭିରାମ ମହାପାତ୍ର, ମା ତୁଳସୀ, ମାମ ସ୍ଥିତିକଣ୍ଠ ପଣ୍ଡା, ବଡ଼ ମାଇ ଉର୍ମିଳା ପଣ୍ଡା ଓ ବଡ଼ ଭାଇ ରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 3.5 ଘଣ୍ଟା ପଚରାଉଚରା କରିବେ। ସୌମ୍ୟ ଫୋନ୍ରେ କରିଥିବା ବାର୍ତ୍ତାଳାପ, ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ DFOଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ, ସୌମ୍ୟ କିଭଳି ମାନସିକ ଚାପରେ ରହୁଥିଲେ ଆଦି ବିଷୟରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର। ଯାହା ସବୁ କହିଥିଲା ସେଇ କଥା ଗୁଡ଼ା ସବୁ କହିନି, କାହାକୁ ତମେ ଦୋଷୀ ବୋଲି ଭାବୁଛ? ମୁଁ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ବେଶୀ ଦୋଷୀ, ସିଏ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ସିଏ ତ ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିଛି ଆଉ। ସେ ଆଗରୁ ପୁଅ ମନା କରିଥିଲା, ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଭଲ ପଡ଼େନି, ତ ସେ କହିଥିଲି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେ, ତେଣୁ ତା ବାପା ମାଆକୁ ଡାକିକି ପଠେଇଦେ। ପଠେଇଦେଲା ପରେ ସେ ତା ବାପା ମା ଆସି ନେଇଗଲେ, ଯେ ନେଇଗଲା ପରେ ଫେରି ଆକୁ ଡାକିକି ନେଇଗଲେ, ଡାକି ନେଇକି ତାଙ୍କର କ'ଣ କରି ଫେରି ପଠେଇଦେଲେ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସଫଳ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଝିଅର ବାପା ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। DFO ଆଉ ସେ ରୋଷେୟା ଏ ସବୁ ତିନି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ଘର ଭିତରେ ମରି ନାହିଁ, ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ନା ମୁଁ କହିଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଥିଲେ, ଫୁଲ ବୋଉ ବି କୁହେ ଭଲ, ପୁଅ ବି କୁହେ ଭଲ, ଆଉ ମୁଁ ବି ବଜ୍ର ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାହିଁକି ଭଲ ମନ୍ଦ ସିଏ ବି କୁହେ, ଆଉ ତେଣୁ ଜଣେ 95 ପଡ଼ିଗଲା, ବୋଉ ସେଠି କ'ଣ କରୁଥିଲା, କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲାନି? 95 ପଡ଼ିଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ରହିକି କ'ଣ କରୁଥିଲା? ତେଣୁ ସନ୍ଦେହ ଏଇଟା ପୁରା ଅଛି, ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଉ ନାଁ ଦିଆ କହିଲେ। ରୋଷେଇ ନାଁ କାହିଁକି ଦିଆହେଇଛି? ମୁଁ କହିନି ରୋଷେଇ ସାର୍ ସେଠିକି ଆସେ, ସେ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲା, ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଘଟଣା ଘଟିଲା ରୋଷେଇ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲା, ସିଏ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିକି 95 ପଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ କାହିଁକି? ସିଏ ବି ଏଠାରେ ସହଯୋଗ। ଆଉ ତା'ପରେ କହିଲେ DFO ନାଁ କାହିଁକି ଦେଲ? ମୁଁ କହିନି DFO ବିଦ୍ୟାଭାର ପୁଅ କହିଥିଲା ତା ମାଆକୁ, ବିଦ୍ୟାଭାର ସହିତ DFOର ଅନୈକ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଆଉ ପୁଅକୁ ବି ଡ୍ୟୁଟିରେ ହଇରାଣ କରନ୍ତି, ସେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ପାଇଁ କରିଥିଲା, ତେଣୁ ଇଏ ସୋସାଇଟି କି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନୁହେଁ, ଇଏ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ମର୍ଡର୍ କରିଛନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରୁ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ରିପୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ଏସବୁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ADG। ସବୁଗୁଡ଼ାକର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତର୍ଜମା ପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଟିମ୍ ପୁଣି ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଖଇରା ବାସଭବନରେ ତାଙ୍କର ବୟାନ ପୁଣି ଥରେ ରେକର୍ଡ଼ କରି ସେଟାକୁ ପୁଣି ଆନାଲିସିସ୍ କଲା ପରେ ଶ୍ରୀମତୀ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜେରା କରାଯିବ, ଏବଂ ତା ପାଇଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆମର କ୍ରାଇମ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ୱିମେନ୍ ୱିଙ୍ଗର ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳା ଅଫିସର ଜଣେ DSP ନେତୃତ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଜେରା କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଯାହା ଯାହା ଆମର ମିଳିଛି ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ତା ବେସିସ୍ରେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆୟାର ମଧ୍ୟ ଆମର ପ୍ରିପେୟାର କରାଯାଇଛି।
देढ़ मास पर भी एसीएफ सौम्यरंजन मृत्यु पर पर्दा उठि पार नथिबा बेले सौम्यरंजन केमिति निया लागि जळिगले पत्नी विद्या भारती एवं डीएफओ संग्राम को मध्ये कोन संपर्क चाकरी क्षेत्र में डीएफओ कौनसी चाप पकाउथिले कि एभली एकाधिक प्रश्न धरी पूर्व डीएफओ को पचराउचरा कर सारी क्राइमब्रांच तासो एकाधिक साक्षी को पचराउचरा कर तदंत प्रक्रिया जारी रखी शेषर सौम्य परिवारवर्ग को भेट पचराउचरा करने विद्या भारती को जेरा कर देखा बाकी रहस्य पर पर्दा हटे सत सामना को आणवे तदंतकारी टीम को आउ के कसरत करने को पड़े दर्शक बंधु समय जी गढ़ुची सस्पेन्स से बढ़ुची जुलाई बार सोमवार निज सरकारी क्वार्टर में पत्नी विद्याभारती बेले निरे पोड़ी होगले सौम्य चिकित्साधीन अवस्था मृत्यु घटला प्रश्न उठू केमिति सौम्य देह नि लगी निजर असावधानता जो कि अग कौ कारण सौम्य देह आपणा छाई लिया नि लगि जाता ना अग कि अजणा कारणपाई घर भितर नि पोड़ मार षड्र व्यूह रचा जाता एथिरे पत्नी विद्या भारती भूमिका कौन कहीं भूमिका को नहीं सौम्य परिवार वर्गों संदेह आसी नथिला सुखद मुहूर्त स्मृति हेबार समय पुराणा हो नथिला आलबम्र फोटो सिंथी और सीमंत तथापि झटकुला परश्रुति और वचनबद्धतार संतक हेले वैधव को बरी ने विद्या भारती अधारे अटकीगला सुखर दाम्पत्य सात जन्म एकाठी जीवा एकाठी मरबार संकल्प पलटिगला मिछ स्वप्न कहीं घटला एमती कौटी रहिला त्रुटि ए कहानी शेष कौटी स्वामी मृत्यु पक्षर सत कौन सत्यरे जानती ना पत्नी विद्या भारती केमिति लागिला सौम्य देहरे निया सौम्य कौन आत्महत्या उद्यम करी निज देहरे निया लगाइले सौम्य को कौन निरे पोड़ी मार षड्र रचा जाता कौन यही संदिग्ध मृत्यु पक्षर सत जेतिकी गढ़ुची सस्पेन्स भी सेतिकी बढ़ुची पूरा मामला भितर नुआ नुआ चरित्र आविर्भाव घटुची आरोप प्रत्यारोपर लड़ई आरंभ होईची फळरे सौम्यंक पोड़ी होई प्राण हरैबा पछर असल सत धीरे धीरे रहस्यर अमा अंधार भितर ठेली होई जाउची बार जुलाई सोमवार समय राति नौटा पखापाखि सौम्यंक सरकारी क्वार्टर पार्टी शुणागला आकुल होई पार्टी करुथिले सौम्यंक नव विवाहिता पत्नी विद्या भारती छ मास तले माने एई वर्ष जानुआरी रे सौम्यंक हात धरिथिले विद्या भारती विवाह परे सासुघर छाड़ी सौम्यंक सह सरकारी क्वार्टर को चली आसीथिले विद्या भारती सबु किछि ठीक ठाक चली थिला हेले हठात कौन एमिति क्वार्टर भितरे घटिगला कहीं आकुल होई अन्य मानंक साहाज्य लोडुथिले सौम्यंक पत्नी पाख क्वार्टर रे रहुथिबा लोकमाने छुट्टी आसीथिले सौम्यंक क्वार्टर आडकु भिड़ बढ़ला सौम्य सेत बड़क दरपड़ा हो सारे केमिति पोड़ी हेले से कथा बुझा से कहा पाखरे तर अच्छी आउ सौम्य को प्रथमे पारलाखेमुंडी और परे ब्रह्मपुर हॉस्पिटल को निया मात्र सौम्य शरीर प्राय 80 भाग पोड़ी हो जाकर अधिक चिकित्सा दरकार पड़ा अणा जा कटक घर हॉस्पिटल को चिकित्साधीन अवस्था सौम्य रंजन को घटला दुखद मृत्यु
कटक बड़ मेडिकल रे मृतदेह पोस्टमार्टम परे गाँ मशाणी सौम्य जुई जली सारी। निज रोजगारिया पुओ को हरई सौम्यों परिवार वर्गों आखिरु एवं लुह गड़ुछे। सौम्यों नव विवाहित पत्नी भी वैधव जंत्रणा को बरी नहीं मुंडरु सिंदूर पोछि सारी। हेले सौम्यों मृत्यु रहस्य को नहीं सस्पेंस एबे भी जारी। दर्शक बंधु समय जेतिक गड़ुछे सस्पेंस सेतिक बढ़ुछे। घटना रे आसीबा को लागिछे नुआ नुआ ट्विस्ट आउ संदेहर परिसर को बारंबार आसी जाउछंती सौम्यों पत्नी विद्या भारती। पुअर संदिग्ध मृत्यु पई बहु विद्या भारती को प्रथम रु सौम्यों बापा माँ और पूरा परिवार आक्षेप कर आसुवा बेले ए रहस्य उपर केबे परदा उठुछे ताहा खाली देखिबा को बाकी। खबरदार को आज पई एठी रखुछु। नमस्कार।